दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के सरकारी अस्पताल में बीते दिनों हुई नवजात बच्चों की मौत के मामले के संबंध में सेहत विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी विकास गर्ग सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल सर्जन डॉ सुभाष बत्ता, एसएमओ राजकुमार करकरा व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ रेणु के साथ मीटिंग कर मामले संबंधी जानकारी ली। इस मौके पर सेहत विभाग के सेक्रेटरी विकास गर्ग ने बताया कि बच्चों की मौत के बाद इस अस्पताल में कई सफलतापूर्वक डिलीवरीज हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जो भी कमियां सामने आ रही हैं, उन्हें जल्द ही दूर कर मरीजों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच जारी है। इसे इंसिडेंस तो पहला एक हफ्ता पहला असि अमृतसर जाके आए थे, पूरा अमृतसर का हॉस्पिटल चेक किया गया। उस तो पहला जलंधर गए थे, जलंधर का पूरा हॉस्पिटल चेक किया गया। इट इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंसिडेंस। लेट मी टेल यू, वी आर विजिटिंग वन हॉस्पिटल थॉरली चेकिंग, गेटिंग अ टीम। पहला असं टीम भेजते हैं, एक डॉक्टर ही बना के वो पूरा चेक करते हैं। दैन मिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू दैट हॉस्पिटल और वह प्रॉपर चेकिंग की जाती है। एक एक एस्पैक्ट देखा जाता है उत्थे की कमी है। फॉर एग्जाम्पल आई कंटेल जो अमृतसर च भी यही जो तुम कह रहे हो, उत्थे भी इस तरह का एक ब्लॉक बन रहा है, सेम एम सी एच ब्लॉक बन रहा है। उसके वास्ते की रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज थॉट आउट।